दरगाह में चढ़ा 806वें उर्स का झंडा, बुलंद दरवाजे पर चढ़ा उर्स मेले का झंडा, रस्में हुई आज से शुरू, दरगाह में हुई विशेष सजावट, भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग हुए एकत्रित। बुधवार को दरगाह में 806वें उर्स का झंडा चढ़ाया गया। भीलवाड़ा के गौरी परिवार द्वारा बुलंद दरवाजे पर उर्स मेले का झंडा चढ़ाया गया। इसी के साथ आज से अनौपचारिक शुरुआत हो चुकी है। चांद दिखने के बाद 19 मार्च से उर्स मेले की शुरुआत हो जाएगी। झंडे की रस्म में भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग एकत्रित हुए। असामाजिक तत्वों ने पोल्ट्री फार्मर्स को दी धमकी। धमकी को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे पोल्ट्री फार्म के संचालक। ग्रामीण क्षेत्र के निवासी बंद करवाना चाहते हैं पोल्ट्री फार्म। कुछ दिनों पहले ग्रामीण क्षेत्र के लोग ये कहकर कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे थे कि पोल्ट्री फार्म से होने वाली बदबू मक्खियां से रहना दुश्वार हो रहा है, इसे जल्द से जल्द बंद करवाया जाए। उसके कुछ दिनों बाद संचालक भी कलेक्टर के पास ज्ञापन देने पहुंच गए कि इस पोल्ट्री फार्म से बहुत लोगों के घर चलते हैं, ऐसे में इसे बंद नहीं करवा सकते। पर बुधवार को जब पोल्ट्री फार्मर्स एक बार फिर कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे तो उनका कहना है कि उन लोगों को असामाजिक तत्वों द्वारा पोल्ट्री फार्म को बंद करवाने की धमकियां दी जा रही है। पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले लोगों के साथ बदसलूकी की जा रही है। कलेक्टर को कार्रवाई करने के लिए आज संचालकों ने ज्ञापन सौंपा। अजमेर में सबसे बड़ी इंडस्ट्री पोल्ट्री इंडस्ट्री है और जिसमें नीचे चले यार किसान फार्मर्स जुड़े हुए हैं। ओए भाई, और करीबन 50 लाख अंडा अजमेर में रोज होता है। अभी पिछले एक साल से सभी पोल्ट्री फार्म पे असामाजिक तत्व पोल्ट्री फार्म में जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं और वहाँ पर पोल्ट्री फार्म बंद करने के लिए कहते हैं। जबकि हमने सबसे प्रमाण पत्र ले रखा है, सब तरह से हम सही हैं। और अभी इसी संदर्भ में लामाना में लोकेश पोल्ट्री फार्म जो आपका है हेमराज जी का, उसको जला दिया गया है असामाजिक तत्वों द्वारा। और जबकि दिन में कॉम्प्रोमाइज हुआ उसके बाद असामाजिक तत्वों ने उसके हमने FIR लॉन्च करा दी। आज 3 दिन हो गए, उस FIR पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई अरेस्ट नहीं हुए, जबकि नामजद है। अगर उनको अरेस्ट नहीं किया गया और इन असामाजिक तत्वों को नहीं रोका गया पोल्ट्री फार्म के खिलाफ, तो हम ये आंदोलन करेंगे और जयपुर तक जाएंगे, चीफ मिनिस्टर तक जाएंगे। लॉ कॉलेज के छात्रों ने फूका वसुंधरा राजे का पुतला। लोकसभा उपचुनाव के समय अजमेर दौरे पर छात्रों ने रखी थी 5 मांगे। मांगे नहीं मानने पर लगाए वसुंधरा सरकार के खिलाफ नारे, बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। बुधवार को लॉ कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज के बाहर वसुंधरा राजे का पुतला फूका। छात्रों का कहना है कि अजमेर लोकसभा उपचुनाव के समय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जब अजमेर आई थी तब छात्रों ने कॉलेज को लेकर 5 सत्रें मांगे रखी थी, जिसमें से कॉलेज की 4 दीवारी बनवाई जाए ये भी थी। छात्रों का कहना है कि असामाजिक तत्व कॉलेज के आसपास रहते हैं, वे सुबह को कॉलेज आओ तो शराब की बोतलें मिलती है, लेकिन सरकार द्वारा मांगे न मानने पर आज छात्रों ने प्रदर्शन कर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। पहले में छात्र संघ द्वारा वे छात्र संघ के छात्रों के द्वारा खूब आक्रोश है। उपचुनाव के अंदर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जब अजमेर के दौरे कर रही थी, जब छात्र संघ पदाधिकारी वे प्रतिमंडल वसुंधरा राजे से मिला और लो कॉलेज की 5 मुख्य मांगे रखी, जिसमें स्थायी मान्यता, स्थायी प्राचार्य, लाइब्रेरियन वे लो कॉलेज की 4 दीवारी। लो कॉलेज आज 2014 के अंदर यहाँ पे शिफ्ट हुई थी गवर्नमेंट कॉलेज से, उसके बाद यहाँ 4 दीवारी नहीं बनी गई। यहाँ पे आवारा लोग आते रहते हैं, हम जब राजकीय विधि महाविद्यालय में सुबह आते हैं यहाँ पे हमें दारू की बोतलें मिलती हैं और यहाँ पे कुछ ऐसे आवारा पक्षी और आवारा लोग आते हैं जो यहाँ पे हमारी बहन और बेटियों को छेड़ते रहते हैं और यहाँ पे 4 दीवारी नहीं बनी गई। और सबसे हमारी मुख्य मांग है जो हमारी लो कॉलेज की जो पास की जो 20 बीघा जमीन है वो कॉमर्स कॉलेज को राजस्थान सरकार ने अलॉट कर दी गई है, ताकि यहाँ पर अजमेर शहर के अंदर कॉमर्स कॉलेज का नाम तक अता पता नहीं है। तो यह मांग करते हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा से कि हमें ये 20 बीघा जो जमीन है वो राजकीय विधि महाविद्यालय के नाम से अलॉट की जाए। और आज छात्र संघ में छात्रों में रोष था, इस कारण से वसुंधरा राजे का पुतला फूंका है। हम 15 दिन का सरकार को अल्टीमेट देते हैं, यदि ये नहीं हुआ तो हम कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन करेंगे और जो हाईवे है वो मुख्य हाईवे जो जाम करेंगे,
मुरलीधर बेनीवाल लो कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष। राजस्व निगम कर्मचारी ने किया प्रदर्शन, 3 सूत्री मांगों को लेकर दिया कलेक्टर को ज्ञापन, मांगे न माने तो 21 मार्च से करेंगे हड़ताल। बुधवार को राजस्व निगम कर्मचारी ने प्रदर्शन कर 3 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कर्मचारियों को 7वां वेतन, चिकित्सा डायरी व खाली पड़े पदों को नियुक्त करने हेतु ज्ञापन दिया गया। कर्मचारियों ने कहा कि हमारी मांगे न मानी तो सभी राजस्थान भर में कर्मचारी 21 मार्च से हड़ताल पर उतर जाएंगे। सरकार द्वारा राज्य के सभी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया जा चुका है, लेकिन नगरीय निकायों के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया है। इसके अलावा निगम कर्मचारियों की कुछ पुरानी मांगे भी हैं जो काफ़ी लंबे समय से लंबी चल रही हैं, जैसे सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को चिकित्सा सुविधा, मेडिकल डायरी की सुविधा, और निगम में काफ़ी लंबे समय से बहुत सारे पद रिक्त चल रहे हैं, उन पदों को भरे जाने के लिए भी सरकार से लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। और इसी क्रम में राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन ने 21 तारीख से आम हड़ताल किए जाने का निर्णय लिया है। उसी क्रम में रोज़ कुछ ना कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज सभी कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से अवकाश लेकर और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए जाने का निर्णय लिया है। यदि आपकी मांगे नहीं मांगी जाती तो फिर आप क्या करेंगे? यदि कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी जाती है तो 21 तारीख से सभी पूरे राजस्थान में, प्रदेश भर में काम बंद किया जाएगा। आपका परिचय? रोहित पाराशर, लेखाधिकारी नगर निगम अजमेर। जैन समाज के पंच कल्याण महोत्सव का निकला समापन जुलूस, सूर्य जी की नशे से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से निकला जुलूस, जुलूस में समाज के सैकड़ों लोग हुए शामिल। जैन समाज के चल रहे पंच कल्याण महोत्सव का आज समापन हुआ, जिसमें समाज द्वारा भव्य जुलूस निकाला गया। 10 मार्च को शुरू हुए महोत्सव में प्रसन्न मुनि सागर महाराज अजमेर आए थे, पड़ाधड़ा में महोत्सव आयोजित हुआ था। आज निकले जुलूस में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए, बैंड बाजे के साथ जुलूस निकाला गया, जिसमें कई झांकियां भी थी। आज जो ये भव्य जुलूस निकल रहा है, ये श्रीमद जिनैन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जो दिनांक 10 तारीख से 14 तारीख को बड़ाधड़ा पंचायत नशियाजी में हो रहा था, ये सानिध्य मिला हमें अंतर्मना मुनि प्रसन्न सागर जी महाराज सहसंग का। आज इसका ये समापन जुलूस है जो कि नशियाजी से होता हुआ चूड़ी बाजार, आगरा गेट होता हुआ पुनः नशियाजी में जाएगा, जहाँ पर कलशाभिषेक के साथ धर्मसभा में परिवर्तित हो जाएगा नरेंद्र गोदा मंत्री मुनि संघ सेवा समिति। सैटेलाइट हॉस्पिटल में चिकित्सकों की बैठक हुई आयोजित, 21-22 तेज को डोर टू डोर होगा चिकित्सकों का सर्वे, बैठक में चिकित्सकों को समझाई योजना। स्वाइन फ्लू मलेरिया जैसी बीमारी से बचने के लिए चिकित्सा महकमा पूरी तरह तैयार है। बुधवार को राज के सैटेलाइट हॉस्पिटल में चिकित्सकों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें चिकित्सकों को डोर टू डोर सर्वे करने के निर्देश दिए। इसमें समय से पहले इलाज होने से आगे परेशानी न आए, इसलिए सर्वे 21-22 और 23 को होगा। कार्यकर्ता जो या स्वास्थ्य दल आपके द्वारा, ये मैडम ACS मैम के इंस्ट्रक्शंस हैं कि अजमेर ज़िले के भी और सब जगह भी 21-22-23 को जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे ANM से, आशा सहयोगिनी से, ये डोर टू डोर जाए और सर्वे करें, एंटी लेवल एक्टिविटीज़ करें, जहाँ फॉगिंग की आवश्यकता फॉगिंग होगी तो इस तरह से सारी एक बार सर्वे हो जाएगा। अगर जो भी चिन्हित होंगे हमारे, जो भी अगर कोई बीमारी से ग्रस्त है तो उसका अगर वहीं इलाज संभव है तो उसको तुरंत वहीं इलाज दिया जाएगा, अगर उसको रेफ़र की जरूरत हो तो रेफ़र किया जाएगा। इस तरह से हमने एक पूरी कार्य योजना बनाई हुई है, इसका इम्प्लीमेंटेशन करा जाएगा 21-22-23 को। तो ये ज़रूरत क्या पड़ रही है स्वास्थ्य आपके कार्यकर्ता, मतलब विशेष क्या रहेगा इसके अंदर? ये सर अभी आपने देखा होगा कि हमारे पास स्वाइन फ्लू केसेस काफ़ी बढ़े थे, बीच में डेंगू के केसेस भी आए थे, तो इसके मद्देनज़र अगर हमने एक बार पूरा सर्वे करा लिया और एंटीबायोटिक्स अच्छी तरह करा ली तो हम ये जो बीमारियाँ, जो जैसे भी आपको पता है कि डेंगू के मच्छर हो चाहे मलेरिया के मच्छर, साफ पानी पनपते हैं, ये हमारे घरों के अंदर कई आजकल ये आदत हो गई है कि कूलर लॉक्ड है, कूलर का पानी चेंज नहीं किया जाता है, कूलर का पैदा फट भी जाए हम चेंज दूसरा कूलर खरीद लेंगे लेकिन पानी चेंज नहीं करते हैं। अभी आप व्हाट्सअप या दूसरे के भी देखते हो कि पंक्षियों के लिए भी पानी रखें, बिल्कुल आप परिंडे में पानी रखिए लेकिन उस पानी को भी चेंज नहीं करेंगे तो लार्वा उसमें काफ़ी पैदा हो जाते हैं और फिर वो लार्वा से पुपा बन के एडल्ट बन के फिर वही बीमारियों का हमारे को खतरा मोल लेना पड़ता है। इसलिए अगर पहले ही हमने सबको अलर्ट कर दिया, अच्छी स्क्रीनिंग कर ली तो हम इस पर काफ़ी रोक से काफ़ी। पुष्कर में ज्योतिबा फुले के सर्किल बनवाने हेतु कलेक्टर को दिया ज्ञापन, लंबे समय से कर रहे हैं मांग, ज्योतिबा फुले के लगाए नारे। पुष्कर के क्षेत्रवासी लंबे समय से पुष्कर में ज्योतिबा फुले के सर्किल की मांग कर रहे हैं, जिस पर अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है। पुष्कर के मलिया नवयुवक मंडल ने आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, वे ज्ञापन में बताया गया कि क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि तिलोरा फाटक के किराए पर ज्योतिबा फुले का सर्किल बनाया जाए। ज्योतिबा फुले ने जिस तरीके से महिलाओं के हित में, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किए हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ज्योतिबा फुले का सर्किल बनाया जाए।
कस्बे में महात्मा ज्योतिबा फूले जी के सर्किल की मांग को लेकर माली समाज सहित अन्य पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग जो है वो बहुत लंबे समय से एक मांग करता आ रहा है कि पुष्कर कस्बे में जो तिलोरा रोड के पास रेलवे फाटक के पास जो तिराया है उस तिराए पे महात्मा ज्योतिबा फूले जी का सर्किल स्वीकृत किया जाए। लेकिन लगातार शासन प्रशासन और सरकार ने इस मांग को अनदेखा किया है। उपचुनाव के दौरान विगत दिनों जब माननीय मुख्यमंत्री महोदया पुष्कर में पधारी थी उस समय माली समाज के प्रतिनिधि मंडल ने बहुत पुरजोर तरीके से इस मांग को उठाया था, लेकिन लगातार सरकार और प्रशासन इस बात की अनदेखी कर रहा है जिससे माली समाज और अन्य जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनमें आक्रोश है। क्योंकि महात्मा फूले जी ने जो सामाजिक जिस तरीके के कार्य किए, शिक्षा के क्षेत्र में विधवाओं और महिला कल्याण के लिए जो कार्य किए हैं वो बहुत अतुलनीय है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने मांग की है कि महात्मा फूले जी का सर्किल स्वीकृत किया जाए। समिति ने मांग करती है कि शीघ्र ही पुष्कर में जो है महात्मा ज्योतिबा फूले जी का सर्किल नाम करें। अजय सैनी, मुख्य सलाहकार मालिया, नवी उपमंडल समिति, पुष्कर। हिंगलाज माता मंदिर में आयोजित हुआ चेटी चंड का कार्यक्रम, सिंधी समाज के लोग हुए शामिल, भजन संध्या व प्रसाद वितरण भी किया गया। चेटी चंड के उपलक्ष्य में हर दिन सिंधी समाज के द्वारा चेटी चंड महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके चलते मंगलवार रात हिंगलाज माता मंदिर में सिंधी समाज द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया। साथ ही सभी श्रद्धालुओं ने भजन संगीत का आनंद लिया। अल्पाहार व प्रसाद वितरण का आयोजन भी किया गया। चेटी चंद महोत्सव मनाया गया, इसमें बैराना साहब का आयोजन किया गया और कॉलोनी वासी और आसपास के क्षेत्रवासी यहाँ पर आके भजन संध्या और उसका आनंद लिया और यहाँ पर प्रसाद वितरण के साथ साथ लोगों ने एक दूसरे को चेटी चंद की बधाई दी और अल्पाहार का भी व्यवस्था की गई। नाम संदीप धाबाई, अध्यक्ष हरिभ उपाध्याय नगर विस्तार विकास। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें फायदा.com सच के साथ।